अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको अपनी हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है। अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं COVID-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और ITBP के तेजी से डिप्लॉयमेंट हुई है और उनके प्रयासों को अप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है जो पहले से दुगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। ओके अध्यक्ष महोदय, इसके कारण एक मिनट वे बॉर्डर एरिया में मंत्री जी अधिक अलर्ट रह सकते हैं। एक मिनट, सेकंड जनरल ट्रांसलेशन शुरू कर दें। आ रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक, एक बार चेक कर लें दोबारा। ओके अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलेटरी स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। अध्यक्ष महोदय वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटर्मिंड हैं। इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी सामान्य सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो वह पहले से बहुत अलग है, फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं।